आए आप थक गए हो ना? हाँ बड़ा। आए काम करते हैं। मैं आपके पैर दबाती हूँ, आप इस पैर दबाते हो। मैंने आपसे कहा था ना कि अपने मुंह पर हैंगी बांध कर बैठ जाओ, पर साइड में बैठ जाती, साथ में काम कराने की क्या जरूरत है? अरे आई, आप और बाबा काम कर लेते, मैं भी तो आपकी हेल्प करूंगी। मैं आप लोगों की क्लियर देती हूँ। हम लोग क्लियर फैमिली, और ये फैमिली तो एक साथ सारा काम करती है। अच्छा बाबा, अभी रियल रियल छोड़ो, रियल रियल खाना खाए। देखो मैंने आपके लिए आपका फेवरेट खाना ऑर्डर किया है। भेल पूरी है, रगड़ा पेटीज है, सेव पूरी है, चाट है। हाथ धो के खा लेते। आपने ये सब क्यों मंगवाया? हम तुम्हारी रियल फैमिली के साथ बैठ के खाएंगे ना। ओह सभी, प्लीज ये रियल 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 का गाना गाना बंद करो। हम उस घर में नहीं रहते हैं, बाहर आउट हाउस में रहते हैं। उन्होंने अपना खाना बनाया होगा, हमारे लिए नहीं बना होगा ना। अब ऐसे बिना इनविटेशन के तो जाके नहीं खाना खा सकते ना, अच्छा लगता है नहीं ना। प्लीज अभी के लिए खाना खा लो, है ना। देखो सब आपका फेवरेट है। आई ये क्या बात है, अगर हमें अकेला ही रहना था, अकेला ही खाना खाना था और अकेला ही सोना था, तो बाबा के घर आने का क्या फायदा? बड़ा देखो, अभी तो किचन साफ नहीं हुआ है, कल तक किचन पूरा साफ हो जाएगा, फिर मैं रोज आपके लिए फ्रेश अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, ठीक है, और अपने हाथों से खिलाऊंगी। गुड गर्ल है ना? नहीं आई, मैं अपने पापा के साथ खाऊंगी। सभी बड़ा, आपके पापा कहाँ से लेकर आऊं? सभी देखा आपने, आपकी आई ने आपके बाबा को याद किया और आपके बाबा हाजिर। आपको पता है आपकी बड़ी अज्जी ने आपके लिए इसमें पाव भाजी भेजी है, फेवरेट है ना आपकी? हाँ बाबा, मुझे तो पाव भाजी बहुत पसंद है, लेकिन बाबा मेरी आई ने मेरे लिए लकड़ा पेटी, सेव बूढ़ी और भेल बूढ़ी, चाट, ये सब मंगवाया है। भाजी पाव को देख के एक शेर याद आया, अर्ज किया है। इरशाद, जो हमेशा खाता है भाव, वो लेकर आया है भाजी पाव। बाड़ा, ये पहली बार नहीं है जो आपकी आई ने ये सब मंगवाया है। आपकी आई पहले भी ये सब कुछ मंगवा चुकी है, और आपकी बड़ी आजी से छुप छुप कर ये सब कुछ मैं लेकर आता था। पर ऐसे ही नहीं लेकर आता था, पहले आपकी आई मुझे दो तीन कविताएं सुनाती थी और फिर मैं लेकर आता था। कौन सी कविता बाबा? आप भी मुझे कविता सुनाओ ना। मुझे याद है, मैं सुनाऊं? वो एक थी जो करता है हमेशा मुझसे झगड़ा, वो लेकर आया है पेटी सो झगड़ा। बाबा अलग सुनाओ ना। जिसने लड़ लड़ कर कर दिया है मेरा बुरा हाल, आज वही खिला रहा है मुझे कैंडी फ्लॉस यानी बुढ़िया के बाल। एक और, गब्बर की तरह लड़ने की आदत है बुरी, फिर भी लेकर आया है सेम बुरी। वाह 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 वाह। हाय, आप भी एक कविता सुनाओ ना। बड़ा, वक्त के साथ ना इंसान बदल जाता है, और वो दौर भी अब वैसा नहीं रहा। मुझे इस खाने को देखकर कोई कविता नहीं आती। अब चुपचाप खाना खाओ। आई आप पापा से अभी तक कच्ची हो, आई पापा से बच्ची कर लो ना। सभी आप एक काम करो, अपने बाबा के साथ ही खाना खाओ।
सही है। समोसे की तीखी है चटनी, तेरे आई बाबा की कभी नहीं पटनी। तीखी बात से याद आई मिर्ची, जिसके नाक पर गुस्सा है काफी, पर मोदक है इंतजार में कि कब मिलेगी माफी। विराट कहाँ है, कोई उसे बुलाएगा? बहुत जोरों से भूख लग रही है। पुलकित, अरे आप लोग खाना खाइए ना। क्यों, तुम नहीं खाओगे? सही ने खिला के भेजा है तुम्हें। उस दिन तो तुम्हें खाना खिला के नहीं भेजा था उसने? हाँ, वैसे तो वो तुम्हें खाना खिला के भेजेगी ना, उसे अपना बेटा जो चाहिए तुमसे। सही ने मुझे खाना नहीं खिलाया पाकि, सभी ने खिलाया। इस घर की बेटी होने के बावजूद वो घर के बाहर रह रही है, आउटहाउस में रह रही है। वो मेरे बिना खाना नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। अच्छा, तो तुम्हें सभी की भूख की चिंता है लेकिन अपने बेटे की नहीं। तुम्हें पता भी है विराट, वीनू ने सुबह से खाना तक नहीं खाया है। तुमने उसका हालचाल भी पूछा? जब से सही घर में आई है बस सभी 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 किए जा रहे हो। अपने बेटे को तो तुम भूल ही गए हो। पूरा टाइम बस तुम्हें उनके घर की सफाई करनी है, उनके घर डब्बा पहुंचाना है, अपने बेटे का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारा बेटा इतना ज्यादा डर गया है कि वो पहले खुद को कमरे में बंद कर लेता था, लेकिन अब वो अपने कमरे के अंदर भी एक टेंट के अंदर छुप के बैठा हुआ है। पाखी, सही और मैं मेरे बेटे को इस सबसे बाहर। सही और तुम, तो तुमने इसका सलूशन पहले से ही सोच के रखा है। ग्रेट मिस्टर विराट चव्हाण, और क्या क्या प्लान किया है तुमने? धीरे धीरे तुम घर के सब लोगों को अपनी तरफ करने वाले हो, बोलो ना। अरे तुम्हें किसका डर है, बोलो ना, क्या करने वाले हो तुम आगे? घर में सबको मनाओगे, सबको कन्विंस करोगे कि ये जो सब कुछ है वो सही का है? सबको यकीन दिलाने वाले हो कि तुम्हारी सही इंसान नहीं देवी है? तो बाकी सब लोग भी तुम्हारी तरह उसकी भक्ति में लग जाएंगे? लग जाएंगे नहीं, लग गए। वैसे वहिनी ने आज खुद सवी और सही के लिए अपने हाथों से पाव भाजी बनाई। मुझे तो लगता है वैनी तो पहले से ही सई की तरफ। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है? मतलब मैं अकेले पीछे का सोच रही थी, बात तो इतनी आगे बढ़ गई है, लगता है इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। नहीं पत्रलेखा, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कि तुम्हारे दिमाग में दिल में जो डर बैठा हुआ है ना कि हम लोग सब सही की तरफ हो लेंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर का कोई भी सदस्य अगर सही के साथ हो जाता है तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे उसके लिए फिर मुझे वहिनी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े।